नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत दिन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बहुत खुशी हो रही है कि कुंवर सिंह की प्रेम कथा में आप दोनों ने बहुत ही अच्छा रोल किया। पंकज करपटने आपने वीर कुंवर सिंह का, और आपने पिंकी सिंह जी ने आपने धर्मन भाई का, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर जीवंत अभिनय का राज किया है, और इसका श्रेय किसे देंगी आप दोनों? अभिनय का राज एक्चुअली क्या होता है ना, जब मन में बहुत उमंग हो कि नहीं थिएटर करना है, अंदर मन से जागृत होती है ये। और इसका श्रेय मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे को देना चाहूँगी, उन्होंने कंप्लीट सपोर्ट किया है हमेशा। तुम थिएटर करो, तुम डांस करो, तुम म्यूजिक करो, कभी रोका नहीं। श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ उनको देना चाहूँगी। क्या आपने कभी सोचा था कि मैं इतनी अच्छी अभिनेत्री बन पाऊँगी? क्योंकि आपने तो कोई कभी नहीं नज़र आया। एक्चुअली ये म्यूजिक की म्यूजिक में थी, डांस में थी, गायन में थी, तो सौभाग्य है इनका कि हम लोगों का सौभाग्य कि पिछले साल आधे अधूरे हम लोगों ने किया, इनको इसके लिए आमंत्रित किया, इन्होंने स्वीकार कर लिया और बहुत अच्छा नाटक हुआ आधे अधूरे, इनका लीड रोल था। और इस बार भी सौभाग्य मिला कि इन्होंने प्रेम धर्मन का रोल पप्पू भी इन्होंने लिखा। वीर कुंवर सिंह का रोल आपने बहुत अच्छा किया, धर्मन का रोल आपने इतना अच्छा किया, तो इसके लिए आपको तो बहुत मेहनत भी करना पड़ा होगा। हम लोग दो सालों से मतलब लगातार इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई मोनाक जी के साथ, हेल्थ में प्रॉब्लम हुआ, तो फिर हम लोग शिफ्ट करके हम लोगों ने आधे अधूरे किया, फिर अभी मौका मिला, तो 3 महीने के अथक परिश्रम के बाद ये नाटक आया। और इसका निचोड़ आप लोग भी बता सकते हैं कि कैसा आया। इसके लिए मैं थिएटर यूनिट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे धर्मन का रोल, और इतने सारे डायलॉग, कहीं भी रुकावट नहीं आई। बस वही तो है ना कि थिएटर करने वालों को कहते हैं ना कि माइलस्टोन, एक्चुअली इसमें रीटेक्स का कोई मौका नहीं। और उसकी सबसे थिएटर का खासियत है कि अभ्यास करेंगे तो वही निखर कर आएगा। होमवर्क जो करना होता है किसी भी पूरे नाटक के लिए, पूरे ग्रुप को, और यदि आपके कैरेक्टर में है तो उस कैरेक्टर पे होमवर्क करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके आपके साथ। उस होमवर्क के दौरान हम दोनों के बीच बहुत बार कहा सुनी, हम दोनों लड़ भी लिया करते थे, लेकिन नहीं, फिर वही साथ में, बिना इनके मैं अधूरी होती थी, मेरे बिना ये अधूरे होते थे, तो ये फीलिंग हम लोगों को बांध के रखती थी। इस नाटक के जो पूरी टीम है, सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और कोई इसमें कम नहीं है, सभी बढ़चर के ईमानदारी से काम किया है, और आप लोग ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। और दोनों को अगर इसमें इस परीक्षा में पास करने पर अगर मार्क्स दिया जाए, अंक दिया जाए, दोनों को 100-100 नंबर मिलेंगे। थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपका जो यह नाटक है वह हमारे समाज को वीर रस, प्रेम रस दोनों का जो है प्रचार प्रसार इस नाटक के माध्यम से किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंवर सिंह के बारे में सिर्फ लोग कुंवर सिंह के बारे में सिर्फ लोगों को पता था कि 1857 क्रांति में अपना हाथ गंगा को अर्पित कर दिया, लेकिन उनके बहुत सारे अनछुए पहलू थे जो उन्होंने धर्मन के साथ प्रेम किया, एक मुस्लिम नर्तकी थी और प्रेम करके शादी किया, और वही धर्मन उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया, और ये नाटक उसी को लेकर, उसी के सारे अनछुए पहलू को दर्शाता है। एक और छोटा सवाल, आप वीर कुंवर सिंह, आप धर्मन, क्या सपनों में भी लगता है कि मैं धर्मन हूँ? आपको लगता है कि वीर कुंवर सिंह? मैं घर में चलती हुई धर्मन की तरह ही थी, मुझे सब बोलते थे। बहुत बहुत स्वप्न, स्वप्न में भी आते हैं वीर, स्वप्न में तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत न्यूज़।